सब्सक्राइब कीजिए किचन डायरी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं किचन डायरी। आज हम बनाएंगे वसंत लहसुन की चटनी। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को लगने वाले इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार है। 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 3 वसंत लहसुन, 1 छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक और 1 से 2 हरी मिर्चें। तो आइए शुरू करते हैं। अब हम सारी सामग्री मिक्सर जार में पीसने के लिए डालेंगे। सबसे पहले मूंगफली, हरी मिर्च, जीरा। अब हम वसंत लहसुन को काटेंगे। ध्यान रखें, हमें निचला सफेद हिस्सा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हरा हिस्सा चाहिए। हमने ये निकाल दिया है। अब हम इन पत्तों को चॉप करेंगे। अब हमने सारी वसंत लहसुन काट लिए। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सारी चीजों को मिक्सर में पीसेंगे एक फाइन पेस्ट होने तक। अब हमारी चटनी पीस कर हो चुकी है। हमें इस कंसिस्टेंसी की चटनी चाहिए। ये चटनी हम रोटी भाकरी के साथ खा सकते हैं। अब हम इसे बोल में निकालेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो अपडेट्स।